हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप स्नैक्स आगे से घर पर बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और इसे 10 से 15 दिनों तक फ्रीज़र में रख के आप खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि समोसा पट्टी कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, उसमें मैंने नमक, चीनी और तेल मिलाकर इसे मिक्स कर लिया है और गर्म पानी से अच्छी तरीके से एक सॉफ्ट डो मैं बनाऊँगी यहाँ। तो मैंने यहाँ गर्म पानी ही यूज़ किया है, तो देखिए कितना सॉफ्ट डो बना है। बस इसे ऑयल लगाकर 4 से 5 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए मैं रख दूँगी। तो देखिए कितना सॉफ्ट डो है और इसी डो से मैं बनाने जा रही हूँ समोसा पट्टी। मैंने इसके छोटे छोटे लोई काट लिया है, तो इसी तरीके की इसी साइज़ की मैं सारा लोई काट लूँगी। तो मैंने यहाँ 5 लोई ले लिया है। अब उसे मैं बेल कर थोड़ा पतला करूँगी, एकदम भी पतला नहीं करना, बस छोटा साइज़ का, जैसे पूरी होती है वही साइज़ के मैंने बेलूँगी। उसमें मैं तेल लगा रही हूँ और उसमें मैं सूखा मैदा लगा रही हूँ। ऐसा ही स्टेप मुझे बार बार रिपीट करना है ताकि सारे लोई के बीच में तेल और सूखा मैदा रहे। यही स्टेप हमें बार बार रिपीट करना है। तो इसके बाद हाथों की मदद से मैं ऐसे फैला लूँगी और इसे बहुत ही पतला बेल लूँगी। समोसा पट्टी बहुत ही पतला रहता है। अब इसे मैं गर्म तवे पर रख दूँगी, लो फ्लेम में मैं 1 से 2 मिनट के लिए रखूँगी। रोटी पकाने की तरह हमें पूरा इसमें रेड कलर नहीं लाना है, दोनों साइड से हमें इसे हल्का पकाना है और इसके बाद ही गर्मा गर्म ही इसे अलग करना है। तो मैंने 5 शीट इसमें लगाया था, तो देखिए कितना ईजीली अलग हो रहा है। फिर एक कपड़े से इसे ढक के मैं साइड में रख दूँगी और सारा एक साथ तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं एक प्लेट उसके ऊपर रख कर पिज़्ज़ा कटर से इसके एजेस को काट कर हटा रही हूँ ताकि राउंड शेप में आ जाए समोसा पट्टी। और जो समोसा पट्टी अनसक्सेसफुल होगा, साइड से फट जाएगा कोई साइड से भी, उससे आप लंबा शीट्स बना ले जिससे आप पैटी तैयार कर सकते हैं, कोई भी पेस्ट्री बना सकते हैं इससे। तो देखिए मेरा यहाँ तैयार हो चुका है, राउंड शेप में भी आया है और कुछ रेक्टेंगल शेप्स में भी है। इसे मैं ऐसे ही जिप लॉक पैक में रख कर फ्रीज़र में रख दूँगी और जो साइड्स एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उसे आप छोटे छोटे पीसेस पे काट ले और कोई भी चाट वगैरह में आप उसे फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, तो ये नमकीन बन जाएगा। अब मैं यहाँ एक कढ़ाई में जिंजर और गार्लिक चॉप्ड किया हुआ ऐड कर रही हूँ। अब मैं उसमें डाल रही हूँ गाजर, प्याज, नमक, कैप्सिकम, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पका लूँगी, हरी मिर्च, चीनी, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप, बॉईल किया हुआ चाउमीन। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं स्प्रिंग रोल बनाऊँगी। स्प्रिंग रोल शीट के टॉप साइड में मैंने रख दिया है। उसके बाद टॉप को पहले फोल्ड करूँगी, फिर दोनों साइड से इसे फोल्ड करूँगी। उसके बाद अच्छी तरीके से प्रेस करने के बाद ही मैं इसे ऐसे घुमाऊँगी। और मैदा का मैंने एक खोल तैयार कर लिया था, उसे मैं लगाकर अच्छी तरीके से सील कर दूँगी ताकि स्टफिंग तेल में बाहर ना आ जाए। इसी तरीके से मैं सारा स्प्रिंग रोल बना लूँगी और उसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूँगी। जब फ्रीज़र में पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद ऐसे जिपर लॉक बैग में मैं इसे रख दूँगी और इसे 10 से 15 दिनों तक आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान के टाइम में आपका काम इजी हो जाएगा। तो ऐसे आप एक बॉक्स में उसे रख सकते हैं सेपरेटली। उसके बाद मैंने यहाँ पैन में तेल ले लिया, उसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, फिर हरा प्याज ऐड करूँगी, उसे भी अच्छे तरीके से 2-3 मिनट तक फ्राई करूँगी। फिर इसमें डालूँगी कैप्सिकम, कैप्सिकम को भी 2-3 मिनट तक सॉटे कर लूँगी जब तक सारा वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी,
बॉईल किया हुआ चिकन ऐड करूँगी। उसके बाद चिकन को मैंने बॉईल करके फोक के मदद से सेपरेट कर लिया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद टमाटो केचप ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड किया हुआ ग्रीन चिली और चॉप्ड किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं ठंडा कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पैटी का शीट ले लिया है, बीच में मैं स्टफिंग डाल रही हूँ। ऐसे हमें पहले प्लस साइन में रखना है पैटी को, उसके बाद बीच में स्टफिंग डालने के बाद एक एक लेयर को हमें ऐसे स्टफिंग के ऊपर रखना है, एक साइड से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। एक एक फोल्ड के बीच में हमें मैदे का लेप लगाना है। चिकन समोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने तेल में चॉप किया हुआ आलू ले लिया। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, इन सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें चिकन कीमा ऐड कर दूँगी और इसे पानी डालकर 5 मिनट तक पका लूँगी। आलू चिकन गलने के बाद मैं इसमें डालूँगी चॉप किया हुआ प्याज, कैप्सिकम और हरी मिर्च। उसके बाद गरम मसाला ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने जो किचन किंग मसाला बनाया था वो भी ऐड कर लूँगी और एट लास्ट मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी और स्टफिंग को ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद ही मैं इससे समोसा तैयार करूँगी। तो पहले मैंने एक रेक्टेंगल शीट ले लिया है, उसके बाद मैं इसे फोल्ड करूँगी और उसके एक साइड में मैदे का लेप लगाऊंगी, फिर उसे टर्न करके ऊपर रख दूंगी और बीच में एक ट्रायंगल शेप आ जाएगा पॉकेट की तरह, उसमें मैं स्टफिंग डाल दूंगी और उसके ऊपर भी मैं मैदे का लेप लगाऊंगी और ऊपर के साइड फोल्ड कर दूंगी और मैदे का लेप लगाकर मैं इसका मुंह सील कर दूंगी। तो देखिए चिकन समोसा तैयार हो चुका है। देखिए मैंने सारा बॉक्स पैटी और चिकन समोसा बना लिया है। अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। जब पूरी तरीके से यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे जिपर लॉक बैग में रख दूंगी। आप इसी तरीके से स्नैक्स आगे से बनाकर घर पर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और इसे फ्रीज़र से डायरेक्ट निकालकर फ्राई करके गर्मा गर्म इसे खा सकते हैं, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। चिकन चीज़ बॉल बनाने के लिए हमें पहले यहाँ लगेंगे चिकन, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, नमक, ऑरिगैनो, धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए फाइन पेस्ट होना चाहिए। उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स के क्रम में मैं चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लूँगी और मिक्स कर लूँगी। और जितना साइज़ का आप बॉल बनाना चाहते हैं हाथों में तेल लेकर एक बॉल बना ले और बीच में एक ऐसे पॉकेट बना ले, उसके बीच में आप ग्रेट किया हुआ चीज़ ऐड कर दे और मुंह को अच्छी तरीके से बंद कर दे और फिर से राउंड शेप में एक बॉल बना ले। उसके बाद मैदे का घोल में इसे डिप कर ले और इसे निकाल कर कॉर्नफ्लेक्स के क्रम में इसे अच्छी तरीके से कोट कर ले। ऐसे ही आपका चीज़ बॉल तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ सारा चीज़ बॉल तैयार कर लिया। इसे भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद जिपर लॉक बैग में मैं इसे ऐसे स्टोर कर दूंगी। आप चाहे तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भी रख कर स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ वेज स्प्रिंग रोल, चिकन बॉक्स पैटी, चिकन समोसा और चिकन चीज़ बॉल तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आपको आज की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 की रेसिपी भी शेयर किया है कि कैसे आप इन्ग्रीडियंट को स्टोर कर सकते हैं आगे से बनाकर फ्रीज़र में, उसे भी आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ।